महेश्वरी नदी के किनारे नगर के वार्ड नंबर 13 में शासन द्वारा बनाए गए मछली मार्केट पर उषाबाई पति सत्यनारायण के अवैध निर्माण पर गुरुवार को नगर परिषद की जेसीबी धड़ल्ले से चली। नगर परिषद में महेश्वरी नदी के एक किनारे का अतिक्रमण भी हटाया गया। मौके पर मौजूद नगर परिषद इंजीनियर किशोर डिंडोरकर ने बताया है कि पार्षदों द्वारा उषाबाई पति सत्यनारायण द्वारा अतिक्रमण किया गया था और जिसको लेकर सीएमओ के आदेश पर जेसीबी से उसे हटाया गया। अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही हैं, प्रशासन के आदेश अनुसार आगे भी कार्यवाही की जाएगी। ज्ञात हो कि महेश्वरी नदी के दोनों किनारों पर लोगों द्वारा अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसके चलते नदी सिकुड़ती जा रही है। वहीं नदी के मध्य लगने वाले मुर्गा मछली तथा मटन मार्केट का वेस्ट मां नर्मदा में मिल रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को कई बीमारियां होने का संभावनाएं बनी रहती हैं और साथ ही में हिंदू समाज की आस्था भी प्रभावित हो रही है। अतिक्रमण को लेकर आज नगर के वार्ड क्रमांक 15 में किस प्रकार की कार्रवाई की गई सर? नगर परिषद में आम जनता द्वारा शिकायत की गई थी कि स्लॉटर हाउस के ऊपर व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। उस संबंध में आज दिनांक को 27/7 जो भी हो उनको आज अतिक्रमण हटाया गया और साथ में जो मछली मार्केट और वो आसपास में जो अतिक्रमण कर रहा था वो भी हटा दिया गया। सर, लंबे समय से यह भी शिकायत है कि महेश्वरी नदी दोनों तट से छोटी होती जा रही है, वो भी अतिक्रमण हो रहा है, उसको लेकर भी कोई भविष्य में कार्रवाई? हाँ, भविष्य में कार्रवाई की जाएगी, उसमें अभी सर्वे चल रहा है। कई शिकायतें मिलने के बाद सर हटाया गया ऐसा क्यों? नेता मेरे समय तो अभी शिकायत आई है, आज इसमें हटा दिया। अच्छा, अन्य जगह पे अतिक्रमण हो रहा है सर, उसको लेकर भी कार्रवाई करेंगे? हाँ, उसको लेकर नोटिस जारी कर दिए। थैंक्स। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।